और राइट, चलिए इस बीच संजीव भसीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इटिना संदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है सर, कल एक्सपायरी का दिन भी है, क्या व्यू बन रहा है आपका ओवरऑल मार्केट में? हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस बीच देखने को मिल रहा है, क्या व्यू बन रहा है आपका, और इस बीच रणनीति भी आप शेयर करिए, कहाँ पर नज़र है आपकी? उतार चढ़ाव कहाँ दिख रहा है, एक तरफ तो दिख रही है मार्केट 17,300 से 17,600 हो गई, कल 17,800 हो जाएगी, तो क्यों वेट करना। अच्छा पोर्टफोलियो है तो बने रहिए, और आपके यहाँ तो चार तीन दिन से कह लेने की चेष्टा कीजिए। लुक एट आरबीएल बैंक, एक 95-97 आज 120 का टारगेट दिया था, 15% अप सर्किट पे लग गया। इसके अलावा आपको तीन दिन से कह रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल, देखिए टॉप गेनर है आज का। अब आपके लिए तीन पिक्स हैं, आप गए तो मैं शुरू करूँ। संजीव जी, आपना आपके कन्विक्शन तो हम देख रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली चल भी रही है, बाजार बिल्कुल भी स्ट्रेंथ अपनी लूज नहीं करना चाहता अभी भी। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर जिटरीनेस है, वॉलेटिलिटी है, तो वो सिर्फ एक्सपायरी वीक की दिख रही है, और स्टॉक्स भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ नई कॉल्स भी आपने आइडेंटिफाई की है संजीव जी? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले लीजिए वेदांता। आई थिंक वेदांता इज द मोस्ट कंप्लीट कंपनी विद ऑन नॉन फेरस मेटल्स and exposure in everything from silver to copper to aluminium. Copper is at a 30-year low, aur mujhe lagta hai Vedanta cannot trade below book. So Vedanta is unquestionably the best stock to buy. 300 ka target hai, abhi aap 265 266 mein lijiye, stop loss of 260 280 85 ka target, which can come very fast. Second pick would be GAIL. I think gas prices are headed higher. There is a cold winter coming. 132 mein lijiye, stop loss of 127, 140 ka target. Aur teesra mera favorite Bosch. 17,350 mein miss mat kijiye. 18,000 se 18,200 ka target. 16,900 ka stop loss. आरबीएल बैंक ने तो शानदार जो मूव दिखाई है, आप आज भी 15% के मूव दिख रही है। खैर, आप तो इसको पोजिशनली भी रेकमेंड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, लेकिन एक बार के लिए जो ट्रेडर्स हैं जिनका नजरिया सिर्फ शॉर्ट टर्म का है, वो प्रॉफिट बुक कर लें, या आपको अभी भी तेजी दिखती है इसमें आरबीएल बैंक में? क्या नए एंट्री 140 का टारगेट दिखता है मुझे, इतना अंडर ओनरशिप और इतनी ज्यादा पेसिमिज्म है, और कल ही आपको सर्किट फिर लगेगा। चलिए ठीक है, राइट, ठीक है संजीव जी, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात 10 बजे। आई एम श्योर ये कन्विक्शन भी आपकी स्ट्रांगली प्ले आउट होगी। तो आरबीएल बैंक पर अब भी ऊपर तक के लेवल्स देखते हैं संजीव जी, और यहाँ पर अभी 120 पर चल रहा है, 15% तेज है, और वो अभी भी कहते हैं कि एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। वैसे भी मिड कैप स्मॉल मिड कैप पीएसयू बैंक में जिस तरह की रैली दिख रही है, फिर आरबीएल बैंक तो प्राइवेट बैंक है, बिल्कुल आरबीएल और बंधन का हमने रोल ओवर के नंबर्स भी देखे हैं, वो भी काफी अच्छे हैं, बंधन के अंदर भी काफी अच्छे। लेकिन इस बीच में दो शेयर आपको